Uncle, you are mute. Thank you, Cheryl. Sorry. Thank you very much for आइए हम दुआ में जाएंगे। हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु आपने हमको ये मौका दिए कि हम सब इधर इकट्ठा हो सके और प्रभु आपको महिमा स्तुति देने के लिए प्रभु हम ये टाइम निकाल सके, उसलिए आपको धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु आपकी भाकुरु किसे प्रभु, मुझे ये वचन के बारे में प्रभु आपकी आपके द्वारा मुझे बता दो प्रभु, और प्रभु ये वचन के द्वारा प्रभु हम सब ये वचन को पालन करने में प्रभु और ये जानने में और इसके बारे में प्रभु दूसरे लोग को बताने के लिए प्रभु हमको अच्छी तरह दिल दो प्रभु और हिम्मत दो प्रभु। ये सब हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू रीडर्स, दोनों भी बहुत अच्छा हिंदी और इंग्लिश एंड गुजराती में पढ़े हैं। तो आइए हम पहले लुक की किताब तीसरी अध्याय 1-6 तक, जो अपना हिंदी में और इंग्लिश में और गुजराती में दोनों भी बहुत अच्छे, पिकू और वैशाली बहन धन्यवाद। ये वचन में देख सकते हैं कि शायद आप सब लोग को ये तो जान पहचान का है, क्योंकि योहन्ना के बारे में सब लोग सुने हैं। आप लोग जानते हैं योहन्ना तो जे उसको बचपन से ही वो प्रभु के लिए आशीर्वाद किया गया, और एक वचन कहता है कि बाद में उसने जाके जंगल में रहता था। और बात यह है कि ये जो योहन्ना को जो प्रभु का वचन आई थी, उसलिए न्यू टेस्टमेंट में नया करो में पहली दफा है मैंने किसी से इंसान को प्रभु ने आके, ऑफकोर्स उनका उनका पिताजी को तो जकरिया तो प्रभु का दूत आके बात की थी वो योहन्ना के जन्म के बारे में, लेकिन ऐसी भविष्यवक्ता इसका पहले नहीं आया था, क्योंकि शायद 450 साल के बाद में प्रभु का वचन आया है। तो उसलिए लुका ने इधर इतना अच्छी तरह इधर हिसाब दिया है। हिसाब का मतलब वो कब था, ये कब बात हुई, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह कि उसने किन का राज्य में हुआ, कौन परिपाल कर रहे थे और कौन उधर चीफ प्रीस्ट वो कौन था, महायाजक कौन था, वो सब हिसाब दिया है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप जानते हैं अपना बाइबल में कोई भी ऐसा कहानी बना के लिखे नहीं है, ये सब हुआ था, हिस्ट्री है। तो उसका सारी उन्होंने पहली दो वचन में बता दिया कि कौन कौन थे, किनका किनका पालन थी, और ये भी इसके बाद में कह रहा है कि वो दूसरा वचन में बोलता है कि और जब हैना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र योहन्ना के पास पहुंचा। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि प्रभु ने ये जकरिया को भी अपना योहन्ना को बचपन से ही उसको चुन लिया, और वो भी योहन्ना भी वो प्रभु का रास्ते में ही चल रहा था, उसके मार्ग पे चल रहा था। तो प्रभु उनसे उनसे खुश हो गए हैं, उसलिए उनको ये वचन दिए। ये भी एक वचन है, इस पे ही सारी हमारा जो भी इवेंजलिज्म चलता है ये सब इसी में चलता है, क्योंकि अभी भी वो बदला नहीं है। वो यीशु भी वही वचन बताया मत्तई में, सिर्फ यही, क्योंकि योहन्ना बोलता है कि उस समय जंगल में वह यरदान के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। सिर्फ दो ही बात है, वो बोलता है कि तुम लोग मन फिराओ, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सेल्वेशन बोलते हैं हम उसका मतलब ही वही है ना, मन फिराना, मतलब उद्धार कैसा मिलता है, हम पहले मन फिराना है, मन फिरा मतलब अपना पश्चाताप करना है आपको पापों का, अपना पाप, क्योंकि हम खुद उसको कैसे भी कुछ भी करे, कितना भी अच्छा काम करे, हम नहीं कुछ भी उसको मिटा नहीं सकते। तो योहन्ना का बात ये है कि आप लोग मन फिराओ, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। उसका मतलब मन फिराओ, पश्चाताप का मतलब, मन फिराने का मतलब पहले हमको समझना है कि हम कैसी इंसान है, हम पापी है, क्योंकि जे देखे जो ये कोई भी डॉक्टर के पास कोई भी जाता नहीं,
कब जाएगा डॉक्टर के पास? जब हमको पता लगता है कि हमको कुछ कुछ मुसीबत आ गई, कुछ डिसीज है या कुछ तकलीफ है, कुछ दर्द है, तभी जाते हैं हम, नहीं तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं ना। वो तो सिंपल है। वैसे ही प्रभु के पास हम कब जाते हैं? जब हम जान सकते हैं कि हमारे हम में पाप है। प्रभु ने ये अपने को ये शास्त्र दिया, पवित्र शास्त्र दिया, कि वो पवित्र शास्त्र से हम पहचान सकते हैं कि हम पापी है। ऐसा नहीं कि पवित्र शास्त्र हमको उद्धार नहीं दे सकती, उद्धार यीशु से ही मिलती है। लेकिन ये एक आईना जैसा है, एक मिरर जैसा है कि हमारा जीवन देख सकते हैं कैसा है हमारा जीवन। तो ये बात है कि ऐसी सुधारना ये जीवन भर होता है। मतलब एक दफा हम पापों का क्षमा मांगे और हम उद्धार ले लिए और उसके बाद में अपना जीवन जीते रहे, ऐसा नहीं है कि हम इच्छी तरह, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए कितना दाम दाम चुकाया, उनका सब उनका उनका प्राण दिया है हमारे लिए। तो उन्होंने कुर्बानी किया, उनका जीवन हमारे लिए, उनका प्राण कुर्बानी किया क्रूस पे। तो ऐसा ना कि हम ऐसा ना सोचने कि हमको कोई उद्धार कोई चीप नहीं मिला है। वो उनका उन्होंने अपने हमारे लिए दुख उठाए, जो हमको मिलना था वो शिक्षा उन्होंने खुद लिए हैं, वो जानबूझ के और उन्होंने स्वीकार किए हैं। तो ऐसी बात हम हमेशा याद रखना है कि जब भी हम कुछ काम करते हैं, कुछ सोचते हैं या किसी से कुछ बोलते हैं, कुछ ऐसी टाइम पे हमको याद रखना है कि यीशु की तरफ देखना है, हमेशा हमको क्रूस को आगे रखना है, कि तभी हमारा जीवन कैसा है, हमारे जीवन में क्या बदलना है वो प्रभु बताएगा, वो पवित्र आत्मा बताएगी। क्योंकि कोई इंसान की दूसरे कोई इंसान बोलने का ये कुछ नहीं है, क्योंकि दूसरे इंसान तो हमेशा हमको बोलते हैं कि आप लोग अच्छे हैं, आप लोग ठीक है, आप बहुत दूसरे लोगों से बहुत अच्छा प्यार से रहते हैं, उनका उनका इंप्रेशन से वो बहुत करते हैं। लेकिन खुदा ही, जब हम पवित्र शास्त्र देखते हैं, क्रूस की तरफ अपना वोर लगाते हैं, तभी हमको मालूम होता है। तो इधर यही बताता है कि अपना योना तुम लोग आप पश्चाताप करो। और अब ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम तो हमको लेना पड़ेगा, बाप्तिस्मा है, उसके बाद में भी ये लाइफ लॉन्ग हम बदलते रहे कि प्रभु के रास्ते में हम चल सके। और इधर योहन्ना के बारे में और यशायाह के वचन के बारे में भी प्रभु ने इनका अपना योहन्ना के बारे में लिखा हुआ था, वो 6 साल पहले लिखा हुआ था योहन्ना, ये अपना यशायाह का भक्तदत्ता के कहा हुए वचनों में कि क्या लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधे बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनाएगा। तो देखिए अभी मैसेज आने के पहले ये सब होने वाला है, क्योंकि अपने पास भी देखते हैं, हमारा इंडिया में तो बहुत देखते हैं अपन, जो मिनिस्टर आने वाला है तो सारी रास्ता को सब लोग रिपेयर करते हैं, सब कुछ होल्स है तो उसको भर देते हैं। तो ये सब हम देखे हैं। ये योहन्ना बोलता है कि ये यशायाह का ग्रंथ इधर बताया जाता है कि हर एक इंसान जिसका भी है उसका प्राउडिश है, उसको ऐसी ठीक होना चाहिए। जो जो बंदा सोचता है कि मैं नीचे गिरा हूँ, मैं ऊपर नहीं आ सकेगा जी मेरे लाइफ में, क्योंकि सब लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं, उनको भी ऊपर लेके आएगा प्रभु। तो ये सब हम अपना तैयारी रखना है। तो ये तो हमेशा के लिए है कि एक दिन के लिए नहीं, अभी हमारे जीवन में भी जो भी है, और प्रभु का वचन देने से दूसरे लोगों को भी हम मदद कर सकते हैं। और इसी के बारे में मत्ते में योहन्ना के बारे में इसी वचन उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया था। मत्ते 3 अध्याय में ये बोलता है कि इसने बोलता है कि आप लोग मत समझो कि आप लोग अब्राहम का संतान है, माने अपना ज्यूस। वो लोग सोचते हैं कि
हम अब्राहम अब्राहम का संतान है, उसी उसी ले उसी उसी वंश से निकला है, तो वो लोग सोचते कि उन सबको उद्धार मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, वो पासपोर्ट मिल गया, क्योंकि उनका वो अपना अब्राहम का जीनियोलॉजी में आगे उनका फैमिली में है, तो उनका रक्त द्वारा इंडो बोल वो सोचते थे कि, तो योहन्ना लोगों को ठीक बताता है उधर तीसरा अध्याय में मत्तै में योहन्ना बताता है कि आप लोग मत सोचो कि आप अब्राहम का संतान है तो आप लोग को आराम से डायरेक्ट मिल जाएगा एंट्रेंस, लेकिन आप लोग मन फिराओ, हर एक को वही वचन दिया अपना योहन्ना। और मत्तै किताब में चारवा अध्याय में 17 वचन में यीशु कहता है कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और कहना आरंभ किया, यीशु का प्रचार करना आरंभ किया, पहली दफा क्या कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। देखिए प्रभु किंगडम के बारे में बता रहा है कि यीशु ने भी वही कहा जो योहन्ना इधर प्रोफेसी दे रहा है, वो भी यीशु भी वही कह रहा है, तो हम सब इस ये बात के लिए इस बात के बारे में याद रखना है और हम ध्यान करना है और हमेशा हमको याद दिलाना है कि प्रभु ने हमको क्या किया, प्रभु का प्रभु के उनका कुर्बानी से हमको नया जीवन मिला है, तो इसी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम भी कोशिश करेंगे। तो क्योंकि ऐसा होता है कि हमको ये रूटीन हो जाता है, बहुत फेमिलियरिटी आ जाती है ऐसी वचन में, तो हम उसको उतना लाइफ में ऐसा होता है कि हम ज़्यादा ये नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम हमेशा याद रखना है कि हम ये हमेशा अपने लिए प्रभु का बात सुनना है और प्रभु को हम आगे लेके जाना है प्रभु के साथ, तो प्रभु का जीवन हमारे भी जीवन में दिखाना है। और ऐसे ही देखिए अपना फिलिपियंस में पॉलस भी क्या बता रहा है, फिलिपियंस 1:3-11 तक अभी हम पढ़े थे, उधर भी इसका कनेक्शन प्रभु अपना पॉलस ने दिया है। और आप जानते हैं कि पॉलस ने 4 किताबें जब रोम में उसने बंदी गृह में था, वो अरेस्टेड थी प्रिजन में था रोम में, उस टाइम पे उन्होंने 4 अध्याय लिखे थे, 4 पुस्तक लिखे थे, एक है एफिशियंस है, दूसरा वाला ये फिलिपियन का पत्री है, और तीसरा पत्री था कोलोसियन के लिए, और 4वीं फिलेमन के लिए, ये 4 वो प्रिजन से लिखा था, उसका मतलब वो बंदीकार में था, फिर भी देखे वो सब यीशु का प्रेम कितना जान सका कि यीशु का प्रेम हम ये फिलिपियन के पत्री में देख सकते हैं। और ऐसे भी ये फिलिपियन कलीसिया ये पहली कलीसिया था एशिया में जो पॉलस ने स्थापित किया, ये पहली कलीसिया था एक फिलिपियन का, और फिलिप पॉलस खुद उधर था, उधर से वो कलीसिया चालू किया, वो चर्च चालू किया और उनको प्रभु का वचन दिया, तो बहुत लोग प्रभु को वचन को मान लिए और बहुत लोग उधर ये सब लोग प्रभु को प्रभु से उद्धार पा लिए हैं। और ये लोग ऐसे लोग हैं कि बहुत दिल उनका दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा प्रभु ये अभी पॉलस इसलिए उनको उन सबको इतना धन्यवाद करता है कि उन्होंने उन पॉलस के लिए बेंट भेजे थे, गिफ्ट भेजे थे, इधर पैसे इकट्ठे करके पॉलस को रोम में उसको अपना वो कैदीगार में भेजे थे, तो पॉलस ने बहुत खुश हुआ कि उसको जब जरूरत थी पैसे उस टाइम पे ये लोग ने गिफ्ट भेजे हैं उनको, तो पॉलस बहुत खुश था कि और उनको धन्यवाद करने के लिए ये पत्र लिखे हैं। और वैसे ही उसी टाइम पे पॉलस को और कुछ वार्ता इनके बारे में कुछ समाचार मिल गई कि यहाँ के लोग प्रभु में थे, प्रभु में है, लेकिन उधर कुछ जूडाइज्म के बारे में, मतलब वो लोग जूडाइज्म मतलब वो लोग ज़्यादा आचार और संस्कार लेके आते हैं और लोग आके चर्च में आके वो लोग उसको गंदा कर देते हैं, तो वो भी बात वो सुने थे,
लेकिन फिर भी उसने उन पे कुछ गुस्सा नहीं किया, बहुत प्यार से उनको अच्छी तरह समझाने के लिए ये खत लिखा है। तो हम तो ये खत के बारे में शुरू में देखेंगे। अभी पौलुस नो अपने तीसरा वचन से मैं कहता है कि मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। देखिए कितना अच्छी तरह बात बताया कि जब जब आप मैं आपको स्मरण करता हूँ तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। एक ये इससे भी हम सीख सकते हैं कि हम जब भी हमारे भाई भाइयों के लिए याद रखते हैं, कभी भी हम उनके बारे में सोचते हैं या अपना अब अपना गांव इंडिया में भी अपना परिवार के बारे में जब सोचते हैं उनके लिए हम प्रभु को आशीर्वाद देना है, क्योंकि प्रभु ने हमको ऐसे परिवार दिया और प्रभु ने उन सबको अपने बारे में बताने के लिए और प्रभु को जानने में उनको मदद किया। और प्रभु कोई बात नहीं है, अभी कुछ लोग कई लोग हो सकते हैं अभी प्रभु में आए नहीं है, फिर भी उनके लिए अभी हम स्मरण जब स्मरण करते हैं प्रभु को धन्यवाद देना है उनके जीवन के बारे में, क्योंकि वो प्रभु का वादा है कि सारी हमारी सारी परिवार यीशु के साथ यीशु को मान लेंगे। शायद वो टाइम लगेगा लेकिन हम धन्यवाद करते करने से वो पवित्र आत्मा उन लोगों को मौका देगी और बदलने के लिए। और वो बोलता है कि और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। देखिए जब भी मैं विनती करता हूँ सदा आनंद के साथ, कितना भी दुख, वो कहाँ है, वो एक्चुअली प्रिजन में है, वो कैदी में है। कैदी में होके भी किस लिए, वो कैदी में रहा तो भी वो उसका सिचुएशन नहीं देख रहा है, वो यीशु की तरफ उसका उसका ध्यान यीशु पे है। यीशु तो हमको आजादी दिया, यीशु तो हमको प्यार दिया, तो यीशु तो हमको नया जीवन दिया, भरपूर जीवन दिया। तो उसने ये खैद जो उसका जंजीर थे उसको कुछ ख्याल ही ना रखा। ये कदम लिखा तो आप पढ़े तो किसी को लगता नहीं कि ये खैदी में है ये बंदा, ये अपना पौलुस भाई। ये पौलुस तो एक्चुअली खैदी में रह के बोलता है कि मैं धन्यवाद करता हूँ मैं, क्योंकि मैं मेरा विनती यही है कि आनंद के साथ विनती करता हूँ इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। देखिए कितना अच्छी तरह उनको धन्यवाद करता है कि पहले से आप लोग ये सुसमाचार को फैलाने में आप लोग मेरे सहभागी है, तो मैं तो मेरा आपको आप लोग मुझे सहाय कर रहे हैं क्योंकि आप लोग दूसरे लोगों को बताते हैं। वही है ना, हम भी कर रहे हैं अपना अपना कलीसिया में भी। यीशु ने कहा कि हमेशा आप लोग चर्च में बैठ के आनंद अच्छा है, हम सब मिलना है, सब मिलके चर्च में मिलना है और प्रभु को महिमा करना है और एक दूसरे को एंकरेजमेंट मिलेगा उससे, और हम एक इकट्ठा रहने से प्रभु को भी वही आशा है कि कलीसिया ही प्रभु का गवाही है। प्रभु बोलते हैं कि जब एक कलीसिया में हम सब एक मन एक दिल से रहते हैं तब प्रभु को महिमा मिलती है, क्योंकि दूसरे लोग देखते हैं वो बोलते हैं कि देखो ये लोग कितना अच्छी तरह एक दूसरे को प्यार करते हैं, कितना अच्छी तरह इनका चाल चलन अलग है, तो ये सब तभी उन लोगों को पता लगेगा। तो ये हम हमेशा याद रखना है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खुदा कभी भी नहीं हमको नहीं पता है कि आप लोग कमरे में बैठ जाओ, चर्च को मत जाओ, हमेशा हमेशा वो बाइबल पढ़ते रहो, गाने गाते रहो घर पे, वो भी है पर्सनल भी हमको चाहिए डिवोशन, और ये चर्च में मिलना भी बहुत कलीसिया में मिलना भी बहुत बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ आजकल तो ये कोविड के वजह से हमको वैसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी भी होता है, हम सब मौका फिर उठाएंगे, प्रभु तो हमको मौका जरूर देगा, हम भी साथ में बैठेंगे, साथ में गाएंगे और साथ में टाइम बिताएंगे और एक एक को दूसरे लोग को एंकरेज करते रहेंगे। और उसके बाद में इससे यहाँ कहता है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। इसमें बहुत आप लोग इसमें बहुत ध्यान लगाना है ये वचन पे। ये कहता है कि आप लोग जैसे मुझे इस बात का भरोसा है, उसका भरोसा किस पे है,
इनका चाल चलन पे नहीं है कि इनका इनका डिटर्मिनेशन से नहीं है, क्योंकि हमारा फेथ, हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो फिर हिल जाता है जब सर्कमस्टेंसेस बदलता है, वो हिल जाता है। तो प्रभु का जय, प्रभु ने जो अच्छा काम हम में आरंभ किया वो प्रभु ही कंप्लीट करेगा, प्रभु ही खत्म करेगा। कोई हमारा उसलिए ये किस लिए कह रहा कि इधर जुडाइज्म लोग आके बोलते हैं कि आप लोग को अपना उद्धार मिल गई है, सेल्वेशन मिल गया है, उसके बाद में आप लोग ये काम करो वो काम करो, इस तरफ से ऐसा आप लोग प्रभु को महिमा करो, इस तरफ आप लोग इधर भजन करो, या इस तरफ आप लोग गाओ, इस तरफ आप लोग ऐसा ऐसा कोई इसी इसी इसमें से हमको कोई धार्मिकता मिलता नहीं है। हमारी धार्मिकता सिर्फ प्रभु से मिलता है, क्योंकि हम सब ऐसे लोग हैं कि जो भी हमारे दिल से कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा जान और हमारी चाहत ये सब धोखा दे सकती है। लेकिन प्रभु उसलिए पौलुस बोलता है कि जो प्रभु ने आप में जो नया अच्छा काम चालू किया वो खुद वो खत्म कंप्लीट करेगा। कब करेगा? जब प्रभु यीशु फिर आएगा दूसरी दफा, उस टाइम पे हमारा जो भी काम चालू किया वो कंप्लीट होगी, हम भी उनके साथ ग्लोरीफाई करेंगे और हम भी उनके साथ ऊपर प्रभु को मिलेंगे और हमारा जीवन बदल जाएगा और हम भी उनके जैसा बन जाएंगे, उसके बाद बता रहा है। तो इसलिए हम हमेशा याद रखना, ये बहुत इजी हो जाता है हमारे जीवन में, है ना। कभी भी हमको भी ऐसा लगता है कि हम कुछ नियम फॉलो किए तो हमको लगता है कि हम प्रभु से अच्छी तरह प्रभु को मान रहे हैं, क्योंकि दिखता है, बाहर दिखता है, जो भी जो दिखते हैं उसके उससे हम भरोसा रखते हैं और खुश हो जाते हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि आप लोग किसी पे ध्यान मत लगाओ, सिर्फ यीशु पे ध्यान लगाओ, क्योंकि जो अच्छा काम वो चालू किया वो आप में खत्म भी कर देगा। और उसके बाद में कह रहा है कि उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में, और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रणाम देने में सब तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। देखिए उन्हें कितने अच्छी तरह, क्योंकि उनका देने में, उनका गिविंग में, और उन लोगों प्रभु का सुसमाचार दूसरे लोगों को बताने में उसी में उनको सहभागी है। तो जो भी जब भी हम दूसरे लोगों को प्रभु के बारे में बताते हैं वो हम सब उनका महिमा के लिए उनका किंगडम में सहभागी हो जाती हैं। तो इसमें और इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबके सबकी लालसा करता हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और इस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होते रहो। तो उसका मतलब अपना जीवन में वो फल दिखाना है हमको, जो वो पवित्र आत्मा दे सकती है वो फल, उसको हम हमेशा अपना 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 दिल में रखना है और प्रभु में बढ़ते जाना है कि हम सब वो प्रभु का फल हमारे जीवन में दिखते जाए। वो मैं लास्ट वो गलती का वो अपना प्रभु के फल के बारे में, फ्रूट के बारे में मैं एक दफा पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद में हम खत्म करेंगे। पर ये गलतियों का पत्रिक 5वां अध्याय 22 और 23 में ऐसा लिखा है कि पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं।
देखिए कितना अच्छी तरह लिखा कि इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, नो लॉ, ये सब प्रभु, ये फल, ये नव, ये उसने गिनती करके बताया, ये सब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के सहायत से हमारे जीवन में भरता जाएगा, वो अपना और ये कैरेक्टर बदलता जाएगी कि हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए और प्रभु का महिमा के लिए हमारे जीवन ऐसा बदलते जाए कि हम दूसरे लोगों को वो फल दे सकेंगे। आइए दुआ करेंगे। हाँ प्रभु, आपके धन्यवाद करते प्रभु आपके वचन के लिए, प्रभु आपको वचन को प्रभु हम हृदय में लेने के लिए और प्रभु उसको पालन करने में प्रभु आप हमको सहायत करो प्रभु, और प्रभु आगे दिनों में प्रभु आप ही हमको ये क्रिसमस के टाइम पे प्रभु हम उनका तैयारी हो रही है प्रभु, तो प्रभु आप हमको प्रभु आपका जीवन और आपका महिमा के लिए प्रभु हमको नया नया मोड से प्रभु आपका महिमा के लिए चलाए प्रभु, ये सब हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू शेरिल।